फाइनली आईपीएल शुरू हो गया है और हम सबको घर में रहने की एक नई वजह मिल गई है। कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे, कुछ अपनी फ्रेंचाइजी के सीरियस फैंस हैं और कुछ लोग ड्रीम इलेवन के दीवाने हैं। आज हम एक स्टैटिस्टिकल पैराडॉक्स समझेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको इन दो प्लेयर्स में से एक को चुनना है तो आप किस प्लेयर को चुनेंगे? इस एग्जाम्पल के लिए हम सिर्फ बैटिंग एवरेज कंसिडर करेंगे ताकि एक्सप्लेनेशन सिंपल हो। तो आई थिंक आपका जवाब होगा ऑब्वियसली बैटोवन, क्योंकि दोनों प्लेयर ने ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं और बैटोवन का एवरेज ज़्यादा है। अगर हम थोड़ा और रिसर्च करें तो फिर ये डेटा मिलता है, बैटिंग का स्प्लिट डेटा। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब बैटिंग फर्स्ट करनी है तो बैटर टू एक्चुअली बेटर है बैटर वन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटिंग सेकेंड में बैटर वन बेटर होगा, तभी तो उसका एवरेज ज़्यादा है, राइट? नहीं, थोड़ा और डेटा के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बैटिंग सेकेंड में भी बैटर टू का ही एवरेज ज़्यादा है। तो सोचने वाली बात यह है कि फिर ओवरऑल एवरेज बैटर वन का बेटर कैसे और क्यों है? वेल, यही तो कमाल है नंबर्स का, और इसे कहते हैं सिम्पसन्स पैराडॉक्स। जब ओवरऑल डेटा एक ट्रेंड दिखाता है लेकिन उसी डेटा को जब सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो वो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट ट्रेंड दिखाता है। तो अब बैक टू माई क्वेश्चन, आप किस बैटर को चुनेंगे अपने ड्रीम इलेवन के लिए? बैटर टू को ना? अब आप सोचेंगे कि यार ये तो सब ठीक है, पर हो सकता है कि कुछ नंबर्स डाल के इन लोगों ने डेटा को मैनिपुलेट कर दिया होगा यहाँ। और क्या ये रियल लाइफ में भी होता है? जी बिल्कुल, इसके बहुत सारे पॉपुलर एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि T20 क्रिकेट में ही। यहाँ आप देख सकते हैं पटेल और हार्दिक पांड्या का होम और अवे एवरेज T20 इंटरनेशनल मैचेस में। नोटिस करिए कि ओवरऑल एवरेज अक्षर का ज़्यादा है, पर इंडिविजुअल फॉर्मेट में हार्दिक आगे है। सिमिलर स्टोरी यहाँ पे भी यूसुफ पठान और हार्दिक के बीच में। तो इसे आइडेंटिफाई और अवॉइड कैसे कर सकते हैं? उसके तीन तरीके हैं, एनालिसिस, एनालिसिस एंड हाँ थोड़ा और एनालिसिस। डेटा को ब्रेक करिए फर्स्ट और सेकेंड इनिंग्स में, बैटिंग पोजीशन से, हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग ग्राउंड्स पे, स्पिन पिच वर्सेस पेस पिच पे, होम और अवे से। और आज जो बताया है आपको वो सिर्फ एक छोटा सा टिप है, होपफुली इट हेल्प्स। चलिए इस पैराडॉक्स के कुछ और रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। 1973 में जब बर्कली कॉलेज का एडमिशन डेटा देखा गया तो लगा कि वो लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन फर्दर एनालिसिस करने से ये पता चला कि कुल 85 डिपार्टमेंट्स में सिर्फ 6 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो हाईली बायस्ड हैं वुमेन के लिए और 4 डिपार्टमेंट्स मेल के प्रति। और ओवरऑल पूल्ड करेक्टेड डेटा देखा तो वो थोड़ा वुमेन के फेवर में ही था। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ 6 डिपार्टमेंट्स का एडमिशन रेट है। स्टडी का फाइनल कंक्लूजन ये था कि वुमेन ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस में अप्लाई कर रही थी, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल रिजेक्शन परसेंटेज ज़्यादा था। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं मेडिकल फील्ड से। किडनी स्टोन को ट्रीट करने के 2 ट्रीटमेंट्स देखते हैं, ट्रीटमेंट ए ओपन सर्जिकल प्रोसीडियर और ट्रीटमेंट बी क्लोज सर्जिकल प्रोसीडियर। ये परसेंटेज है सक्सेस रेट की। जैसा आप देख सकते हैं ओवरऑल में ट्रीटमेंट बी बेटर लग रहा है, पर जब डेटा एनालिसिस किया तो पता चला कि ट्रीटमेंट ए बेटर है। तो लाजमी है कि अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि अगर इस स्प्लिट डेटा को फर्दर स्प्लिट करेंगे तो डेटा फिर से रिवर्स हो जाएगा और ओरिजिनल फाइंडिंग को सपोर्ट करने लगेगा। पर ये भी पॉसिबल है कभी कभी। तो सोचने वाली बात ये है कि कहाँ तक और कब तक इसे स्प्लिट कर सकते हैं। इसके लिए कोई इजी आंसर नहीं है, ये केस बाय केस कॉजेशन एनालिसिस करके देखना पड़ता है। इसीलिए एक ट्रेंड स्टैटिस्टिशियन डेटा को ईजिली मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी टाइप के रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए। और शायद इसीलिए अमेरिकन ऑथर मार्क ट्वेन ने कहा था, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि हम बेहतर तो कल बेहतर।